हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ केले की सब्ज़ी। आप लोगों ने बहुत बार खाई होगी, पर आज मैं केले की चोखा बनाने वाली हूँ, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी उसका रेसिपी। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा सा वीडियो है तो आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं केले की चोखा। और मैं कैसे बनाती हूँ वो आप लोग को साथ शेयर करूँगी, और आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मैं ली हूँ, इतने सारे केला है आप लोग देख सकते हैं, इसी का मैं चोखा बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे उबालना पड़ेगा और इसके छिलका रहित मैं उबालूंगी। और आप लोग चाहे तो छिलका उतार कर उबाल सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है छिलका उतार कर बनाने में, और ये छिलका रहित बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो चलिए चलते हैं, इसे चढ़ा देती हूँ उबलने के लिए, तो आप लोग को दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है सो केला के मैं उबाल ली इस तरह से, और ये बिल्कुल सीज गया है, और इसका मैं छिलका यहाँ से उतार दूँगी इस तरह से। और तो चलिए आप लोग बने रहिए, मैं चलती हूँ इसका छिलका उतार देती हूँ। और ये उबलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बस तुरंत ही उबल गया है, 10 से 15 मिनट ही लगे हैं। और आप लोग छिलका उतार कर उबालेंगे तो और कम टाइम लगेगा, 6 से 7 मिनट ही लगेंगे। तो चलिए इसको मैं छिलका उतार लेती हूँ अच्छे से। तो दोस्तों इस तरह से मैं इसका छिलका उतार लूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इस तरह से केले का छिलका उतर गया है, और ये देख सकते हैं कितना पतला सा हो गया है, और पहले कितना मोटा था, छिलका उतरने के बाद ऐसा हो गया है। बाकी मैं सारे केले को उतार लेती हूँ छिलका इस तरह से। तो और यहाँ पे मैं प्याज भी कट की हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चोखा बनाने के लिए। और बाकी अभी तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है सो केला के मैं अच्छे से छिलका उतार लिया, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से उतर गया है इसका छिलका। और यहाँ पे मैं चोखा बनाने के लिए यहाँ पे प्याज कट कर ली हूँ 4 से 5, और 3 सूखी मिर्च है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैं केले का छिलका उतार लिया, और यहाँ पे कढ़ाई भी गर्म हो रहा है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें पानी जो है इसे सूख रहा है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ सरसों का तेल, और इसी में केले का चोखा बनाऊंगी। तो आप लोग बने रहिए कंटिन्यू। और किन किन लोगों को खाना पसंद है केले का चोखा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, और यहीं पे मैं अब सूखी मिर्च को इस तरह से मैं तोड़ ली हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसे डाल दे रही हूँ। इसे थोड़ा सा पकने देते हैं इस तरह से, जब ये थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद ही मैं प्याज को डालूँगी। प्याज फ्रेंड्स प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते हैं, और जब तक वेट करते हैं तब तक कि प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक के लिए वेट करते हैं। तो आप लोग भी वेट करिए और आप लोग बने रहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्याज जो है से गोल्डन ब्राउन बिल्कुल सा हो गया है,
और यहीं पे मैं अब डाल रही हूँ चोखा को। मैं चोखा बना लूँ इस तरह से, आप लोग देख सकते हैं। केले को इस तरह से निचोड़ ली हूँ। और यहीं पे मैं स्वाद अनुसार नमक को डाल दूंगी इस तरह से। तो फाइनली इस तरह से केला की चोखा बनकर रेडी हो चुका है। इतना मस्त, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कितना टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से केले का चोखा कितना मस्त और टेस्टी बनकर रेडी हो चुका है। और किन किन लोगों को खाना पसंद है और किन किन लोगों को ये बनाते हैं ऐसे, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। और कितना टेस्टी और स्वादिष्ट भी बना है, तो आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये रेसिपी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इतनी कम टाइमों में मैं बना ली और बिल्कुल टाइम नहीं लगा दोस्तों, और केले की चोखा बनकर रेडी हो चुका है इतना मस्त और टेस्टी। तो आप लोग को अगर पसंद है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। केले की सब्ज़ी तो हज़ार बार खाते हैं, बट चोखा मैं कभी कभी बनाती हूँ, आप लोग भी बनाते होंगे। ज़्यादा सब्जियाँ ही बनती है इसके। तो चलिए, आप लोग बने रहिए और इस वीडियो के यहीं पे रहने देते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।